two bodies start moving in the same straight line at the same instant of time from the same origin the, bo the first body move with a constant velocity 40 meter per second and second start with from rest with a constant acceleration 4 meter per second square find the time that ellipse before the second catches the first body okay ये चीज़ हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो सेकेंड वाली बॉडी है या सेकेंड वाला कोई भी आदमी है वो फर्स्ट वाले आदमी को कैसे किस टाइम पे कैच कर लेगा वो टाइम क्या होगा टाइम इलिप्स कितने में होगा ठीक है फाइंड आल्सो द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम प्रायरी टू इट एंड टाइम एट विच दिस अकर तो हमसे देखो दिया है कि यहाँ पे दिया है कि एक बॉडी एफ मतलब कि फर्स्ट बॉडी है वो क्या कर रहा है कि वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है ठीक है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो क्या होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाई फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू क्या होगा एस इज इक्वल टू वी इंटू टी ठीक है तो वी क्या है फोर्टी इंटू हम टाइम को टी ले लेते हैं ठीक है तो फोर्टी हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट बॉडी इन टाइम टी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी टी होता है तो यहाँ पे वी क्या है दिया है फोर्टी मीटर पर सेकेंड और टाइम हम टी लिए हैं तो ये जाएगा फोर्टी अब देखो डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेवल्ड बाय सेकेंड बॉडी इन टाइम टी जो होगा यहां से निकाल लेंगे एस टू इज इक्वल टू ये इसको एस वन मान लेते हैं इसको एस टू तो ये हो जाएगा हाफ हाफ ए टी स्क्वायर तो यहां से हमें मिल जाएगा देखो यहाँ पे क्या दिया है फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है एक्सेलेशन तो यहाँ पे हो जाएगा टू टी स्क्वायर ओके जब ये बॉडी सेकेंड वाली फर्स्ट को कैच कर लेगी तो क्या हो जाएगा एस वन माइनस एस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो यहाँ से एस वन की वैल्यू क्या है फोर्टी टी माइनस एस टू की वैल्यू क्या है टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा यहाँ से टी कॉमन ले लूंगा तो फोर्टी माइनस टू टीवल टू जीरो टू जीरो पे एक दोनों बॉडी स्टार्ट करेंगी और t इज इक्वल टू ट्वेंटी सेकेंड पे दोनों मिल जाएगी इसके बीच में जो प्रोसेस होगा वो होगा जैसे कि एक बॉडी यहाँ पे रहेगी तो बॉडी टू यहाँ पे रहेगी तो बॉडी वन कहाँ पे रहेगी यहाँ पे लेकिन ये जाके कुछ इसका स्पीड कम हो या कुछ भी हो या इसका स्पीड ज़्यादा हो ये टी इज इक्वल टू ट्वेंटी सेकेंड पे दोनों मिल जाएंगे ठीक है अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द फाइंड आल्सो द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्रायरी तो देखो इसके लिए हमें क्या होना होगा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा देखो एस की वैल्यू हमें पता है एस इज इक्वल टू एस वन माइनस एस टू या फोर्टी टी माइनस टू टी स्क्वायर तो एस को मिनिमम या मैक्सिमम होने के लिए इसका डेरिवेटिव करके टी के रिस्पेक्ट में जीरो के इक्वल पुट करना होगा तो ये क्या होगा फोर्टी माइनस फोर टी इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से हमें मिल जाएगा फोर्टी इज इक्वल टू फोर टी या टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा टेन सेकेंड ठीक है तो इस ये टेन जो है इस पे पार्टिकल जो दोनों की पोजीशन है वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी इसके लिए हमें क्या निकालना होगा इसका डबल डेरिवेटिव हमें इस इक्वेशन का क्या निकालना होगा एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा तो डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ से मिलेगा माइनस फोर और ये देखो क्या है यहाँ पे डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर लेस देन जीरो है तो यहाँ पे क्या मिलेगा मैक्सिमा मिलेगा ठीक है तो इनके बीच में एस वन और एस टू के बीच में क्या मिलेगा हमको मैक्सिमा डिस्टेंस मिलेगा तो ये किस पॉइंट में मिलेगा टी इज इक्वल टू टेन सेकेंड में तो हम क्या करते हैं कि एस की वैल्यू जो है फोर्टी टी फोर्टी टी माइनस टू टी स्क्वायर में हम टी इज इक्वल टू टेन सेकेंड पुट कर देते हैं ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्टी इंटू टेन माइनस टू इंटू हंड्रेड ठीक है तो यहाँ से मिल जाएगा 400 हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड इज इक्वल टू टू मीटर जो कि देखो यहाँ से जब वो स्टार्ट किए मूव करना तो टी इज इक्वल टू जीरो था दोनों वन और टू एक ही पे सुपर इम्पोज से फिर बीच में वन वाला आगे चला गया और टू वाला पीछे ही रह गया फिर ये टी इज इक्वल टू ट्वेंटी सेकेंड पे फिर से ये मिले और इनके बीच में जब मैक्सिमम डिस्टेंस थी जो मतलब कि जितना फर्स्ट वाला बॉडी आगे था वो था 200 मीटर मतलब कि ये ये फर्स्ट वाली बॉडी 200 मीटर आगे थी सेकेंड वाली बॉडी से ओके